न्यूजीलैंड दे अगले प्रधानमंत्री अते लेबर पार्टी दे नेता दा पलके जल्दी खुलासा हो सकदा है। यह इस गल ते निर्भर करदा है कि किन्ने मेंबर नामजद हुंदे हन। चीफ विप डंकन वेब ने जानकारी दिती कि कॉकस नू एतवार 22 जनवरी नू दोपहर 1 बजे मिलन लई सहमति दिती गई है, जदों ओह नामजदगियां ते वोटिंग कर सकनगे। वेब ने दस्या कि जेकर वोट दी लोड हुंदी है ता वोट संपूर्ण बैलेट द्वारा होवेगी। इसका मतलब है कि राउंड दोबारा होवेगा ते हर गेट दे अंत विच सब तो घट पोलिंग उम्मीदवार नू हटा दिता जाएगा। यह उदों तक जारी रहेगा जदों तक किसी एक उम्मीदवार को दो तिहाई जां वध वोटां नहीं बणदियां, जां जेकर दो उम्मीदवारां विच्चों कोई भी दो तिहाई वोट प्राप्त नहीं करता। नामजदगियां अपने आप शनिवार नूं सवेरे 9 बजे तक प्राप्त होनियां चाहीदियां हन। इन्हां नूं कॉकस दे घट्टो घट 10% समर्थन की लोड़ हुंदी है, यानी कि 64 संसद मैंबरां विच्चों 7 संसद मैंबर। इसका मतलब है कि जेकर लेबर पार्टी कॉकस मीटिंग तो पहला किसी एक उम्मीदवार के पिछे एकजुट हो जाती है तो कल तक नवे नेता का ऐलान हो सकता है। दस दईए उप प्रधानमंत्री ग्रांट रॉबर्टसन ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव नहीं लड़नगे। दूजे पासे सेहत मंत्री क्रिस हिपकिंस, ट्रांसपोर्ट और इमीग्रेशन मंत्री माइकल वुड ने भी अजे तक किसी भी तरीके का कोई संकेत नहीं दिता। ब्यूरो रिपोर्ट, NZ, पंजाबी न्यूज़।